तो डार्क मैटर को अगर एक सेंटेंस में समझें, सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम को देखिए। सन के पास का ग्रह मर्क्यूरी सन का बहुत तेज और जल्दी जल्दी चक्कर काटता है, क्योंकि सबसे लास्ट वाला सबसे बाद का ग्रह नेपच्यून दूर होने की वजह से बहुत धीरे धीरे चक्कर काटता है। मतलब जो ग्रह जितना दूर है उतना धीरे चक्कर काटता है, और जो ग्रह जितना पास है उतना तेज चक्कर काटता है। इतना समझने के बाद हम एक गैलेक्सी को देखते हैं, तो पूरी गैलेक्सी एक ब्लैक होल का चक्कर लगाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है। यहाँ जो ब्लैक होल का मटेरियल ब्लैक होल के पास जितनी स्पीड से चक्कर काट रहा है, उतनी ही स्पीड से पीछे वाला सबसे लास्ट वाला चक्कर काट रहा है। मतलब यहाँ पर पास और दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता, इसीलिए इस नॉन रिकॉग्नाइजेबल फोर्स को डार्क मैटर कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए चैनल को अभी विजिट करिए।